पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। अर्थात विलदत की बातें एक सीमा तक सच है, परंतु समस्या तो यह है कि उसकी बातों से अय्यूब की आवश्यकता पूर्ति नहीं हुई, उसकी समस्या का समाधान नहीं निकला। तब अय्यूब कहता है, मैं निश्चय जानता हूँ कि सामान्यतः तेरी बातें सही है, परंतु मैं परमेश्वर के समक्ष धर्मी कैसे ठहरूंगा। ध्यान दीजिए, अय्यूब को इस समय सुसमाचार की निश्चित आवश्यकता थी। वह जानना चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के समक्ष धर्मी कैसे ठहर सकता है। अय्यूब कहता है कि उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए और उसके मित्र उसे उत्तर देने में असमर्थ हैं। अय्यूब 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मैं स्वांग न रचता। यदि तुम सोचते हो कि मैं परमेश्वर के समक्ष ढोंग रच रहा हूँ तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं जानता हूँ कि मैं उससे विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अय्यूब अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है और परमेश्वर से चाहता है कि परमेश्वर उससे बहुत दूर प्रतीत हो रहा है। अय्यूब 9 अध्याय उसके 5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। यह परमेश्वर के सृष्टिकर्ता होने का एक महान चित्रण है। वह परमेश्वर को सृजनहार के रूप में जानता था, परंतु इस समय वह उसकी कोमल दया को नहीं जान पाया था। अय्यूब 9 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, वह सप्त ऋषि मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के क्षेत्रों और नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखिए, अय्यूब सितारों की जानकारी भी रखता था, परंतु वह यह नहीं कह रहा है कि उसके कष्टों का कारण उसके जन्म की राशि है। निसंदेह मनुष्य यह एक बड़ी मूर्खता की बातें करता है। इस विषय शेक्सपियर का उत्तर बहुत अच्छा है, जब मार्क एंथनी ने कहा, प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे सितारों का नहीं, हम में है कि हम अकिंचन या दुष्ट प्राणी हैं। अय्यूब जानता था कि उसकी इस दशा के उत्तरदायी सितारे नहीं हैं। वह जानता था कि परमेश्वर ही ने सितारों को बनाया है। जी हाँ, हम अय्यूब 9 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। अय्यूब परमेश्वर को जानता था कि वह जगत का सृजनहार है और वह आत्मा है जिसे वह देख नहीं सकता। तब हम देखते हैं अय्यूब 9 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। अय्यूब यह भी जानता है कि यदि उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह कहीं का नहीं रहेगा। परमेश्वर उससे बात करेगा तो उसके पास प्रति उत्तर हेतु शब्द कुछ भी नहीं होंगे। अय्यूब 9 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। अय्यूब को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी बातें सुन रहा है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 9 उसके 17 से 19 पद में,
वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। अय्यूब पूछता है, मैं परमेश्वर के समक्ष अपना वाद कैसे प्रस्तुत करूं? तब हम देखते हैं अय्यूब 9 उसके 20 पद में, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हो परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा, खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। आगे अय्यूब कहता है, यदि मैं स्वयं को निर्दोष कहूं तो अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। तथापि हम आगे देखेंगे कि अय्यूब स्वयं को महान समझता है। वह ऐसा मनुष्य नहीं था जो कहे रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अय्यूब यह नहीं कहता है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में खरा है, परंतु वह स्वयं को अच्छा तो कहता है, परंतु सच तो यह है कि वह स्वयं को धर्मी कहता है, परंतु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करता है कि वह परमेश्वर के समक्ष स्वयं को बचाने में असमर्थ होगा। मेरे मित्रों, आज अनेक मनुष्य जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, वचन को नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि वे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं और उसकी अनिवार्यताओं को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाएंगे। मैं एक धनवान पुरुष के साथ एक बार भेंट करने के लिए गया। वह कलीसिया का सदस्य अवश्य था परंतु परमेश्वर को नहीं जानता था। खेल में वह हॉकी खेलता था। वह कलीसिया का सदस्य अवश्य था परंतु परमेश्वर को नहीं जानता था। खेल में हम विरोधी टीम में होते थे और वह मेरे हाथों हार सहन नहीं कर पाता था। एक दिन वह मुझसे बोला, मैंने एक दिन सुबह आपके रेडियो कार्यक्रम में एक ऐसे धर्म के बारे में सुना जो मनुष्य को पापी कहता है और कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर के पास आना है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं मानव सेवा में विश्वास करता हूँ और मैं अपने फार्म में लोगों को नौकरी भी देता हूँ। मैं कर्मियों को पैसा देता हूँ कि वे बच्चों को रोटी लाकर दें। मेरे विचार में यह आपके द्वारा प्रचार किए जा रहे धर्म से कहीं अच्छा है। आप ऐसे मनुष्य को सबके सामने क्या कह सकते हैं? उनमें कुछ लोग कलीसिया के सदस्य थे परंतु ये सब अभक्त थे। वे उद्धार से वंचित थे। इसे उत्तर देना कठिन था। जब तक कि एक वर्ष पश्चात जब सब जन वहां थे और केवल वही नहीं था, व्यापार में अनुचित काम के लिए वह जेल में था। उसने सरकार को ही नहीं अपने कर्मचारियों को भी धोखा दिया था। मैं कभी नहीं भूलता कि वह उपस्थित एक पुरुष ने कहा, मेरे विचार में वह परमेश्वर के सामने संभल नहीं पाएगा। वह तो जज के सामने ही घबरा रहा था। उन्होंने पाया कि वह अपने कर्मियों के घर भोजन व्यवस्था नहीं कर रहा था। वह इसके विपरीत उनके बच्चों का भोजन छीन रहा था। जी हाँ, यह सुन सबके सब सहम गए। सच तो यह है कि उनमें से अनेक मेरी आराधनालयों में आते थे और मुझे उनमें से एक को प्रभु के पास लाने का सौभाग्य भी मिला। मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य के मन में परमेश्वर के बारे में गलत धारणा है। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के योग्य हैं। अय्यूब वास्तव में यह कह रहा है, यदि मैं परमेश्वर के समक्ष आया तो वह मुझ में वह बात देखेगा जिसका बोध मुझे नहीं और मैं उसे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मसीह के लिए अय्यूब के मन की पुकार। आइए देखें अय्यूब 9 अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। अय्यूब कह रहा है कि यदि परमेश्वर मनुष्य होता तो मैं उससे बात कर पाता। यही कारण है कि परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य उससे बात करे, उसके साथ चले और समझ ले कि वह परमेश्वर के मांग को पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर के मांग को पूरा करने वाला केवल प्रभु यीशु एकमात्र मनुष्य था। आज कुछ का कहना है
कि प्रभु यीशु मनुष्य था और पापी मनुष्य था। मुक्तिवाद आज वर्षों से यही कहता आया है। वे परमेश्वर के वचन में नहीं देखते कि लिखा है कि वह निष्पाप था। वे अपने अपने ही गंदे दिलों के पाप को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पाप रहित था, क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य था। मैं उसके पास आ सकता हूँ, वह मेरे लिए क्रूस पर मरा है। वह अपने जीवन से हम पर स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के मांगों में खरे नहीं उतर सकते हैं। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उसकी मृत्यु द्वारा वह हमारा उद्धार करता है। वृद्ध अय्यूब इसी की लालसा करता है। अय्यूब 9 अध्याय के 33 पद में लिखा है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब की शिकायत थी कि उसके और परमेश्वर के बीच कोई भी मध्यस्थ नहीं है। वह पुकार रहा था, काश कोई होता जो अपना एक हाथ परमेश्वर के हाथ में रखता और दूसरा हाथ मेरे हाथ में, तथा हम दोनों का मेल कराता। पौलुस ने युवा प्रचारक तीमुथियुस से कहा, पहला तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 5 पद में, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक गीत भी होता था जिसका हिंदी में अनुवाद है, गलीली पुरुषों के हाथ में अपना हाथ रखो। आधा ही सत्य है। उस गलीली पुरुष का एक और हाथ है और वह हाथ परमेश्वर की भुजा है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु परमेश्वर है, ईश मानव है। यह कैसा महिमामय एवं अद्भुत सत्य है। ओह, अय्यूब ने उसकी कैसी लालसा की है। यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अय्यूब अध्याय 10 उसके 1 पद में, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। ध्यान दीजिए, अय्यूब के पास ऐसा मध्यस्थ नहीं था जो परमेश्वर से उसके लिए विनती करे। अतः वह कड़वाहट से भर गया था, जीवन से ऊब गया था और अपनी भावना व्यक्त करता है। वह अपनी दुखी दशा और अभागेपन का सच्चाई के साथ वर्णन करता है। अय्यूब 10 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। हमारे अध्ययन के समाप्त होने से पूर्व परमेश्वर अय्यूब को उत्तर देगा। वह अय्यूब को अपने विषय में कुछ बताएगा जो हमें स्वयं भी जानना चाहिए। अय्यूब 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है। अय्यूब समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों कष्ट उठा रहा है जबकि दुष्ट जन फूलते फलते हैं। प्रसंगवश दाऊद के साथ भी यही समस्या थी, मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरी कलीसियाई सेवा में और प्रभु की सेवकाई में भी मैं यही सोचता था कि परमेश्वर क्यों अति उत्तम भक्तों को कष्ट देता है जबकि अभक्त कलीसिया में भी पाप के साथ बचे हुए हैं और फूलते और फलते हैं। ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे बचे हुए हैं, परंतु समय आने पर परमेश्वर उन्हें दंड देता है। तथापि समय आने पर हम सब यह प्रश्न पूछते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक जीवन के प्रश्नों का सामना करवाती है। जैसे कार का टायर सड़क छूता है, वैसे ही जीवन में एक बार ऐसी बातें आती है। अय्यूब 10 अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है। अय्यूब अपनी दशा और दुख पर विलाप करता है। वह संदेह करता है कि परमेश्वर उसकी वास्तविक दशा को देख रहा है या नहीं। परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया, जिसका एक और कारण यहाँ पर है। अब मुझे विश्वास है कि महिमा में एक पुरुष है जो मुझे समझता है, क्योंकि वह मेरे सदृश एक मनुष्य रहा है और वह समझता है कि मेरी भावनाएं क्या है। जी हाँ, मनुष्य के हृदय की एक भी धड़कन ऐसी नहीं जिसे प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय स्वयं महसूस न किया हो। मेरे मित्रों, वह मेरी भावनाओं को जानता है,
वह आपकी भावनाओं को जानता है, आपकी तकलीफों को जानता है, मनोदशा को जानता है। अय्यूब 10 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान हैं, या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हैं, कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। अय्यूब अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। वह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उसके जीवन में ऐसा महापाप है। वह कहता है कि वह बड़ी असमंजस में है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। मुझे तो सहन करना ही होगा, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों ऐसा परखा जा रहा है। अय्यूब को दीनता की आवश्यकता थी और परमेश्वर उसे दीनता प्रदान करेगा। आपने देखा होगा कि दीनता और धीरज परमेश्वर चांदी की थाली में नहीं देता है कि आप उसे निगल जाएं। ऐसे तो आप दीन नहीं बनेंगे। दीनता और धीरज पवित्र आत्मा के फल हैं, जो वह आपके जीवन में परीक्षाओं द्वारा उत्पन्न करता है। परमेश्वर अय्यूब के जीवन में दीनता और धीरज उत्पन्न करेगा। नए नियम में अय्यूब के धीरज की सराहना की गई है। याकूब के पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अय्यूब अपने आप में धीरजवंत नहीं था। इस गुण से उसका आत्मविश्वास और आत्मविमान बढ़ गया होगा। हमने देखा है कि वह धीरज खोकर बड़ी अधीरता से परमेश्वर को पुकार रहा था, परंतु जब हम उसके साथ परमेश्वर के व्यवहार का परिणाम देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर उसे धीरजवंत बना रहा था और उसे दीनता प्रदान कर रहा था। जी हाँ, यह परमेश्वर का काम है। अय्यूब 10 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। अय्यूब अपनी बात पर लौट आता है और वह इस पुस्तक में यदा कदा इसे दोहराता रहेगा। परख के इस समय वह मर जाना चाहता था, क्योंकि उसके विचार में मृत्यु उसके दुखों का अंत है। वह मृत्यु को अचेत निद्रा कहकर स्वागत करता है। मेरे प्रियो, यदि आप इस पुस्तक से आत्म की निद्रा का विचार उभारना चाहते हैं, तो आप गलत होंगे। इस पुस्तक के अंत से पूर्व अय्यूब कहेगा 19 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरे मित्रों, यह पुस्तक हमें आत्मा की निद्रा के विषय कुछ नहीं सिखाती है। इस पल अय्यूब कहता है कि वह पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। वह पूर्ण रूपेण विलोप हो जाने की कामना करता है। आप भी ऐसी ही कामना कर सकते हैं। अय्यूब अकेले ही नहीं है जो ऐसा सोचता है। एलिय्याह, योना, इनकी भी यही मनोकामना थी। सच तो यह है कि इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। यह सोचना कि आपका जन्म ही नहीं हुआ होता समय गंवाना है, और यह सोचना कि आप मर क्यों नहीं जाते तो भी आपको कोई लाभ नहीं है। इच्छा करके तो किसी को मृत्यु नहीं आई है। मेरे विचार में तो जो कहते हैं कि उनके लिए मर जाना अच्छा है, वास्तव में मरना वे नहीं चाहते हैं। सब व्यर्थ की बातें हैं। मृत्यु सामने आ जाए तो मनुष्य मरना नहीं चाहता, वह जीना चाहता है। मुझे तो अय्यूब पर भी संदेह है। यदि मृत्यु उसके सामने आ खड़ी होती तो वह कभी नहीं चाहता कि वह मर जाए, परंतु इस समय उसकी आत्मा पुकार रही है और उसका आत्मसम्मान टूट रहा है। परमेश्वर को उसके मन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। आज अनेक विश्वासियों के मन घमंडी और कठोर हैं, और परमेश्वर के लिए आवश्यक है कि वह हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा उसने अय्यूब के साथ किया था। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस समय कैसे है,
हो सकता है कि आप भी किसी प्रकार की परेशानी में हैं, आप बीमार अवस्था में हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन का अंत हो जाए, लेकिन इस बात को आप जान लें कि आपकी उस परेशानी का निदान या हल अवश्य है। प्रभु यीशु के पास आएं और आपको उसका हल मिल जाएगा।